हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 5 द येलो बटरफ्लाई, और इस स्टोरी का मैं करवा रहा हूँ आपको ये सेकेंड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट कराया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने स्टोरी को पढ़ा था और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी। अभी जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूं आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा था। अगर आपने मिस कर दिया है तो नीचे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। तो जैसे आप क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हो तो फर्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में है वो है रीडिंग इज फन, और इसके अंदर ये कुछ क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि रीडिंग इज फन के क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, यानी इस स्टोरी के अंदर एक बच्चा था जिसका नाम सोनू था। सोनू के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोनू ने फर्स्ट टाइम येलो बटरफ्लाई को कहां देखा था, उस जगह का नाम हमें मेंशन करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, और क्वेश्चन नोट करने के बाद इसके आंसर को कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इन हिज गार्डन, यानी फर्स्ट टाइम उसने येलो बटरफ्लाई को अपने गार्डन में फ्लाई करते हुए देखा था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख सकते हो। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हो, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रीड करते हैं। नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ 3 प्लेसेस वेयर बटरफ्लाई रेस्टेड। तो यहां हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे और उसके बाद 1, 2, 3 करके भी आप प्लेस के नाम मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप एक सेंटेंस में 3 डिफरेंट प्लेस के नाम भी मेंशन कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पहले आंसर लिखोगे और नंबर 2 डाल लोगे, और उसके बाद आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। द 3 प्लेसेस आर एज फॉलो, कि वो 3 प्लेस कौन कौन से है? तो फर्स्ट नंबर पे है रेड रोज, नंबर 2 पे लिख सकते हो आप लोटस लीफ, नंबर 3 अ पिंक फ्लावर ऑन द पीच ट्री। तो ये 3 डिफरेंट प्लेस हैं जहां पे बटरफ्लाई रेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, जो सोनू था स्टोरी के अंदर वो बटरफ्लाई के पीछे क्यों भाग रहा था, उसे चेस क्यों कर रहा था, ये रीजन आपको इसके अंदर लिखना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लोगे। जैसे इसे नोट कर लेते हो तब इसके बाद इसका आंसर आप लिख सकते हो कि सोनू चेज द बटरफ्लाई सो डेट ही कुड कैच इट एंड लुक एट द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। कि जैसे सभी बच्चे करते हैं कि भी जब भी वो तितली यानी बटरफ्लाई को देखते हैं तो उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं, यानी उसका पीछा करते हैं उसे पकड़ने के लिए। और पकड़ने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक रीजन क्या होता है कि जो भी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई उन्हें दिखाई देती है उसको और नजदीक से वो देखना चाहते हैं, इस वजह से उसे पकड़ना चाहते हैं। तो सोनू के साथ भी ऐसा ही है। तो अब आंसर नंबर 3 में आप लिख सकते हो कि सोनू चेज द बटरफ्लाई सो डेट ही कुड कैच इट, पहले उसे पकड़ सके, एंड लुक एट द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और उस सुंदर से बटरफ्लाई को वो देख सके। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए व्हाई डिड सोनू लेफ्ट द बटरफ्लाई गो, कि सोनू ने उस बटरफ्लाई को जो येलो कलर का बटरफ्लाई था उसे जिसे इसने कैच कर लिया था बाद में उसे जाने क्यों दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। भी आप लोगों ने भी कभी ना कभी कोई बटरफ्लाई जरूर पकड़ा होगा। कई बार आप लोग सोचते हैं कि उसे पेट बना के अपने घर में रख ले, और कई बार आप लोग क्या करते हो उसे उड़ा देते हो। तो सोनू ने भी उसे उड़ा दिया था, उसे जाने दिया था, तो जाने क्यों दिया था ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लोगे, और उसके बाद डिटेल में आपको इसका रीजन लिखना है। जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सोनू वांटेड टू सी बटरफ्लाई हैप्पी, कि सोनू चाहता था ये जो बटरफ्लाई है यानी येलो बटरफ्लाई खुश रहे। व्हेन ही कॉट द बटरफ्लाई इन हिज हैंड, और जब उसने अपने हाथ में उस बटरफ्लाई को पकड़ा था, इट लुक सैड, और वो कैसा दिख रहा था, बहुत दुखी सैड दिखाई दे रहा था। सो ही लेट गो ऑफ इट, फिर उसने उसे जाने दिया,
यानी आप ये कह सकते हो कि वो जो सुंदर सा बटरफ्लाई जो था जिसे सोनू पहले पकड़ना चाहता था उसने पकड़ लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने देखा कि उसके हाथ में वो बटरफ्लाई खुश नहीं था बल्कि सैड था, तो वो नहीं चाहता था कि भी ये बटरफ्लाई सैड रहे बल्कि हैप्पी रहे, तो उसको हैप्पी देखने के लिए उसने उस बटरफ्लाई को जाने दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी के भी आंसर को लिख सकते हो। तो ये था आपका ये रीडिंग इज फन के अंदर ये जो 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1-4 आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, और टॉपिक है आपके लिए टॉक टाइम। अब टॉक टाइम के अंदर भी आपके पास ये 3 क्वेश्चन हैं। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, तो मैं क्या करता हूं ये जो 1-2-3 है इसे कट करके यहां पे मैं इसे बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। मैं ये इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि हमारे पास एक सीरियल ऑर्डर हमारे पास आ जाए। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी टॉक टाइम का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ यू वर कॉट, कि आपको बताना है कि सपोज करो आप बटरफ्लाई हो, मतलब अभी आप स्टूडेंट नहीं हो, अपने आप को क्या फील करो कि आप बटरफ्लाई हो। अगर आपको किसी ने कैच कर लिया, पकड़ लिया, किसी ने भी, कोई भी ह्यूमन बीइंग यानी किसी बच्चे ने पकड़ लिया आपको, तब आप कैसा फील करोगे, आपको कैसा लगेगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसी तरह से जैसे सोनू ने उस बटरफ्लाई को पकड़ लिया था, अगर आप बटरफ्लाई होते, अगर आपको भी किसी ने पकड़ लिया होता तो कैसा फील करते वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख सकते हैं आई वुड फील वेरी बैड इफ वी वर कॉट। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक कर लेना, इफ वी वर कॉट या फिर आई वर कॉट, ठीक है। जब अगर कोई मुझे कोई आई लिख लो, इफ आई वर कॉट आई लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि ये सेंटेंस पूरा हो जाए। अगर मुझे कोई पकड़ लेता है तो मैं कैसा फील करूंगा, बैड फील करूंगा, ठीक है। होता है ना कि अगर कोई भी फ्रीली फ्लाई करना चाहता है, जब भी कोई बर्ड है या फिर बर्ड के अलावा बटरफ्लाई है, ये लोग नहीं चाहते कोई इसे पकड़े बल्कि ये लोग फ्रीली फ्लाई करना चाहते हैं। अगर कोई इन्हें डिस्टर्ब करेगा तो इनके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेम यही है कि अगर हम लोग भी बटरफ्लाई बन जाए या बर्ड बन जाए, कोई हमें पकड़ ले तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन, कि जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर के ऊपर क्यों जा रही थी, ये आपको बताना है। ये आप लोगों ने भी फ्लावर यानी तितली को फूल के ऊपर बहुत देखा होगा, तो फूल के ऊपर क्यों जाती थी या जाती रहती है बटरफ्लाई, इसके बारे में आपको बताना है कभी ना कभी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका रीजन लिखना है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लोगे और उसके आंसर को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू शक द नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर, कि जितने भी फ्लावर होते हैं उस फ्लावर के अंदर एक नेक्टर्स होता है और उसी को कलेक्ट करने के लिए ये सारे के सारे बटरफ्लाई जाते हैं। अब जो हनी बी है, अगर आपने इसके बारे में भी पढ़ा हो तो हनी बी को भी बटरफ्लाई के पास जाना बहुत पसंद है और उससे वो नेक्टर से ये सारी चीजें कलेक्ट करती है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इस तरह से लिख सकते हो। और जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है तो आप टॉक टाइम टॉपिक का जो 3rd क्वेश्चन है यानी ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है इसे करेंगे। और इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है से दीज सेंटेंसेस अलाउड, कि आपको ये जो सेंटेंस गिवन है इन सारे सेंटेंस को लाउडली रीड करना है आपको। तो इसमें लिखने वाला काम तो कुछ नहीं है, बट आपको क्या करना है, इसको रीड करना है, ठीक है। तो पहले एक बार आप एक एक करके मैं आपको सबकी एक मीनिंग समझा देता हूं, फिर उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे इसे बोल के। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसे हम क्वेश्चन ना मान करके इसे एक एक्टिविटी मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको लिखने का काम तो नहीं करना है पर आपको बोलने का काम करना है, इसे प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास बटरफ्लाईज कैन फ्लाई, जितने भी बटरफ्लाई होते हैं वो सब क्या करते हैं, उड़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है आपके लिए काइट्स कैन फ्लाई, काइट्स भी है ये भी फ्लाई करते हैं। कैन वी फ्लाई, क्या हम लोग फ्लाई कर सकते हैं, नो हम लोग फ्लाई कर पाएंगे, नो ये तो आंसर नहीं लिखना है इसमें, बस मैं आपको पूछ रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है आगे देखो इधर, तो बर्ड्स कैन फ्लाई एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, कि बर्ड्स भी फ्लाई कर सकते हैं, एरोप्लेन भी फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, काइट्स भी फ्लाई कर सकते हैं, क्या हम लोग फ्लाई कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं हम लोग तो फ्लाई नहीं कर सकते। तो नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 ये हो गया, और नंबर 5 क्या है,
कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हम फ्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कहोगे नो वी कांट फ्लाई, वी कैन फ्लाई इन अ एरोप्लेन। हम लोग फ्लाई तो कर सकते हैं बट खुद से नहीं कर सकते, एरोप्लेन में बैठ करके हम फ्लाई कर सकते हैं और जो भी स्काई से जो भी एक व्यू होता है टॉप व्यू को देख सकते हैं कि दुनिया ऊपर से कैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपको बस रीड करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ रीड करना है। अच्छा, अब इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। 6 तक आपने कर लिया, ये आपके लिए एक्टिविटी थी जिसमें आपको सिर्फ रीड करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टॉपिक में, और टॉपिक है आपके लिए लेट्स राइट, और इसमें आपको लिखना है भाई। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यानी ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो पहले इसको रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू। अब ये जो आपको सेंटेंस गिवन है 1, 2, 3, 4, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे है, एंड यू हैव टू अरेंज इट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, और फिर आपकी हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स गिवन है, फर्स्ट, देन, आफ्टर दिस, फाइनली, ये कुछ कीवर्ड आपको गिवन है जिसको यूज करके आपको इसे अरेंज करना है। तो जैसे यहां फर्स्ट बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस जो आपके लिए गिवन है कि फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, कि मैंने फाइनली अपना ड्रेस पहन लिया और फिर मैं अपने स्कूल चला गया। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस में गिवन है। सेकेंड सेंटेंस है देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को देखूं तो स्कूल तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, अपने टीथ यानी दांत की सफाई करेंगे, इसमें ब्रश करेंगे। तो आपको ये तो पता लग गया कि सेकंड वाला पहले आ जाएगा, फर्स्ट वाला तो बाद में आएगा, है ना। अगर आपने इन दोनों सेंटेंस को रीड किया तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट आउट ऑफ बेड, कि सबसे पहले क्या हुआ कि मैं बेड पे से उठा सो करके, होता है ना जब मॉर्निंग होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां भी हम सो रहे होते हैं तो पहले हम बेड से उठते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्टिविटी होती है हमारी वो स्टार्ट होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है यानी कि जो फोर्थ सेंटेंस है इसको भी रीड कर लेते हैं। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, कि इसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट खाया। तो देखो, अगर मैं इन चारों सेंटेंस को कंबाइंड अगर आपसे डिस्कस करूं तो ये जो चारों एक्टिविटी है जो जंबल है आगे पीछे आपको मेंशन की गई है, तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट एक्टिविटी होगी, वो ये होगी कि आप सो के पहले उठोगे। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड क्या करोगे कि अपने दांत को ब्रश करोगे, और जब आपने ब्रश कर लिया तो आप क्या करोगे, अब उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि नेक्स्ट आप जो ब्रेकफास्ट वगैरह वो कंप्लीट करोगे, और जब आपने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कंप्लीट कर लिया तो लास्ट में फिर आप फाइनली आप क्या करोगे, अपने स्कूल के लिए जाओगे ड्रेसअप होके, प्रॉपर तैयार होके। यानी आप ये कह सकते हो कि थर्ड नंबर वाला फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा और सेकंड नंबर वाला सेकंड सेंटेंस ही रहेगा। ठीक है, और जो फोर्थ नंबर पे सेंटेंस है ये हमारा थर्ड बन जाएगा, और जो फर्स्ट सेंटेंस गिवन था में ये सबसे लास्ट में आएगा। तो हमें करेक्ट ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पूरा नोट करोगे भी, और अपने आंसर को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि आंसर नंबर 7, और आंसर लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट आउट ऑफ बेड, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका। सेकंड होगा देन आई ब्रश माय टीथ एंड हैव अ बाथ, कि उसके बाद मैंने अपने दांत वगैरह साफ किए और मैं नहा लिया मैंने। और नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में आप लिख सकते हो आफ्टर दिस आई ईट माय ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैंने अपना नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट को मैंने कंप्लीट किया, और फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, और लास्ट में भाई जब ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो आप प्रॉपर अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन के अपने स्कूल के लिए चले गए। तो ये फोर सेंटेंस थे जो आपको प्रॉपरली करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भी, ये सारे जो सेंटेंस है आपके डेली रूटीन में इंक्लूड होती है, इस वजह से आप इसको इजिली कर सकते भी थे, है ना। चलो, अब इसके बाद जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो नेक्स्ट है आपके लिए ये एक्टिविटी, और टॉपिक है आपकी बुक के अंदर टीम टाइम, और टीम टाइम के अंदर ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी का नाम है पेपर फन। एक्चुअली ये एक पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी है जिसे आप नीचे लिंक मैंने एक वीडियो का दे रखा है, जिस वीडियो पे आप क्लिक करके इस पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी को आप कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं है, ये एक्टिविटी है। ठीक है, तो आप उस वीडियो पे क्लिक करना और जरूर करना, इस वीडियो का लिंक ऑलरेडी मेंशन किया गया। बाकी अगर आप चाहो तो दूजा यूट्यूब चैनल पर जाकर के
भी क्लिक करके ये सारी इस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हो। हाँ, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली हर क्राफ्ट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड जो वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो ये काम आपने खुद से करना है उस वीडियो को देख करके। अच्छा, जैसे आप ये कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट आपके लिए यानी टीम टाइम के बाद यानी इस एक्टिविटी के बाद लास्ट टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर है वो है वर्ड बिल्डिंग। और ये जो टॉपिक है आपकी वोकैबुलरी के लिए, कि आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग करो, उसके लिए क्वेश्चन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने अभी कंप्लीट किया था, ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में जैसे मैंने इसको मार्क भी कराया था, आपको एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 के बाद ये हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करोगे और उसके बाद हम लोग इसके आंसर को लिखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है, मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड, कि आपको ये जो वर्ड गिवन है इस वर्ड की हेल्प से आपको टू डिफरेंट वर्ड को कंप्लीट करना है, खुद से क्रिएट करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, और इसमें से एक तो आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है और रिमेनिंग आपको खुद से करना है। तो पहले आप जैसे ही क्वेश्चन को नोट कर लोगे, नोट करने के बाद आपको आंसर लिखना है। तो जैसे फर्स्ट वाला देखोगे बटरफ्लाई, तो इसे ब्रेक करके बटर अलग कर दिया गया, फ्लाई अलग कर दिया गया, तो ये टू डिफरेंट वर्ड बन चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखोगे सेकंड, एवरीवेयर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरी को अलग कर सकते हैं और वेयर को भी अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये टू डिफरेंट वर्ड में से ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड में आपके पास वर्ड है इनसाइड, तो इनसाइड में इनको साइड कर दो और साइड को भी साइड कर दो, ठीक है, तो आपके लिए क्या हो गया, ये टू वर्ड में कन्वर्ट हो गया, आपने इसे ब्रेक कर दिया। अच्छा, उसके बाद है फोर्थ, फोर्थ नंबर पे आपके पास है आउटसाइड, तो आउटसाइड में आउट को मैंने अलग कर दिया और साइड को भी साइड कर दिया एक तरह से, और ये बन गया आउटसाइड। ठीक है, तो ये हमने टू डिफरेंट वर्ड हमने क्रिएट कर दिया। और फाइनली फिफ्थ नंबर पे आपके पास है सनलाइट, तो सनलाइट में सन को आप अलग कर दो और नेक्स्ट के आपके पास लाइट, तो लाइट को अलग कर दो और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप ये वर्ड बिल्डिंग जो टॉपिक है इसके अंदर जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है इसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसी तरह से आपका ये जो द येलो बटरफ्लाई के जो क्वेश्चन आंसर है ये भी कंप्लीट हो गया, यानी आपने यूनिट 5 का ये टॉपिक यानी ये चैप्टर, ये स्टोरी आपने कंप्लीट कर ली। उम्मीद है आपको इस सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। जब आपको वीडियो पसंद आती है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताओ। हाँ, एक काम और करो भाई, कि नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है उसे सब्सक्राइब कर दो प्रेस करके, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो कि सर ने एक नई वीडियो डाल दी है और फिर आप उसे देख सको। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर प्रीवियस कोई भी वीडियो आपने मिस कर दी है तो वो सारी वीडियो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे जा करके आप देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।